अच्छा, अब एक और रिकॉर्ड जो है ना हम डालते हैं और उसका नाम लिखते हैं डमी 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 एंड सेव। सेव होने के बाद अच्छा एक और बात, या तो हम इसको फिलहाल सेव होने के बाद जो है ना कहीं नेविगेट भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जब तुम सेव कर लो तो नेविगेट पैक कहाँ पर करो, एसटीआर मेन स्क्रीन पर। मेन स्क्रीन, ठीक है ना, एसटीआर मेन स्क्रीन पे चले जाओ बस। तो इससे ये होगा कि हमने डमी डमी वन डमी वन और डमी वन करके सेव किया, तो उसने सेव किया और ये हमें मेन स्क्रीन पे ले गया। अभी वो मैसेज वाली बात बाद में करते हैं, ठीक है ना। मगर हमें अब ये जो दो रिकॉर्ड हैं ये अनवांटेड रिकॉर्ड हैं, हमें ये डिलीट करने, ठीक है ना। तो अब डिलीट करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इस पेन पेन को सेलेक्ट किया और हम इंसर्ट में जाके हमारा आइकॉन है जिसका नाम है ट्रैश, ठीक है। तो ये ट्रैश आइकॉन को यहाँ पर क्लिक किया तो ये सब रिकॉर्ड के सामने खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। और उसको उसके बाद ये इसको पिक किया यहाँ पे और इसके बराबर में डाल दिया, और उसके जो जो साइज है आइकॉन साइज वो हमने 40-40 रखी और इसको थोड़ा सा नीचे करके रखा। अब इसके ऑन सेलेक्ट में हमने बड़े छोटा सा कोड लिखा, बस एक छोटा सा कोड, रिमूव दिस आइकन, बस सिंपल। हमने कहा कि जैसे ही कोई इस ट्रैश को क्लिक करे तो दिस आइकन को डिलीट कर दो, ये हमने कहाँ पर लिख दिया, कहीं और जगह लिख दिया जो इसने जिसने काम नहीं किया, किसी और चीज का सेलेक्ट है ये निबिट है, ठीक है। तो हमने ये इसको सेलेक्ट किया और इसके सॉरी इसके अंदर हमने लिखा रिमूव ठीक है। अच्छा, अब एक इसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, पहले तो ये पड़ेगा कि क्या कहाँ से डिलीट करूं, तो हम इसको कहेंगे कि SBBU कॉन्टेक्स्ट लिस्ट है और वहां वहां से क्या सॉरी वहां से क्या करे रिमूव, वहां से दिस आइटम को रिमूव करे, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर इसको दे दिया। अब हमें इसको जैसे ही हमने ये डमीज में गए इसको क्लिक किया तो कौन, इसको क्लिक किया तो कौन, ठीक है। ये अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाता हूँ और डमी वन वगैरह को मैं वापस सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये डमी वन जो है ये हमारी शेयर पॉइंट में भी आ गए, ठीक है, डमी वन पड़ा हुआ। और मैं यहाँ पर गया और यहाँ इस डमी वन को डिलीट किया और वापस मैं शेयर पॉइंट में गया और इसको रिफ्रेश किया पेज को, तो यहाँ पे चला गया। इसका मतलब है कि शेयर पॉइंट हमारा पावर ऐप जो है शेयर पॉइंट से बिल्कुल इंटरैक्टिविटी कर रहा है और कांटेक्ट में और कनेक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो हमने दो ऑपरेशंस लगाए, डिलीट के और एडिट। अब एक और ऑपरेशन जो हम लगाएंगे आज के लेक्चर का, वो आखिरी ऑपरेशन है, वो है एडिटिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और एक एडिट का एडिट आइटम का एक जो है वो आइकॉन ले आएंगे, ठीक है, वो ये आइकॉन है, ठीक है। एनी क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पर लिया है आइकॉन, ठीक है, और इसकी भी हमने साइज जो है वो 40-40 स्क्वायर रखी, तो इससे ये यहाँ पर आ गया। और अब जो है ठीक है, अच्छा अब हम जाएंगे स्क्रीन्स में और हमने वो जो न्यू स्क्रीन बनाई थी ना हम एग्जैक्टली उसको और डुप्लीकेट करेंगे, एक और दफा डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो ये बन गई न्यू कॉन्टेक्ट वन, ठीक है। फिर इसको हमने रिमूव की वो क्या कहते हैं रीनेम किया और हमने कहा स्क्रीन एडिट, ठीक है।
और फिर इन सारे कंपोनेंट्स को हमने फिर से अब रीनेम करना है। बनी है तो हमने कहा बटन एडिट, और फिर हमने कहा ये इसको रीनेम करते हैं ईमेल एडिट, इसको एडिट करते हैं और इसका हम नाम लिखते हैं नेम एडिट, ठीक है, और इसका नाम हम लिखते हैं टाइटल एडिट, और इसका नाम भी रखते हैं, इसके नाम में भी हम वो न्यू वगैरह हटा के एडिट करते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम एडिट रखेंगे, सॉरी इसमें हमने रख लिया, ठीक है, इसको हम एडिट रखेंगे, और इसको भी हम टाइटल को एडिट रखेंगे, और बटन बैक बैक जो है बटन बैक ये भी हमारा एडिट होगा, ठीक है, और इसको थोड़ा हाइड करके और इस हेडर को भी हम एडिट करेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी जी सर। ओके ग्रेट। अच्छा अब जो है हम इसको इसका जो हमारा ये है उसको एडिट कॉन्टैक्ट कर देंगे, ठीक है, पीडी आई की एडिट कॉन्टैक्ट, और इसके फिल को लेके हम कोई और नाम रखेंगे, कोई और कलर रखेंगे, देखें क्या कलर मिलता है हमें, लाइट येलो, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो अब हमारे कलर भी डिफरेंट हो गए, ठीक है, अब हम इसको हम बैक करेंगे तो वापस आ जाएंगे, और इसमें हमने अब आपको पता है कि हमने बस स्क्रीन नेविगेशन ही चेंज करनी है यहाँ पर, तो हमने क्या करना है यहाँ पर करेंगे नेविगेट एडिट एसपीआर एडिट, ठीक है, हमारी स्क्रीन का नाम है, और ट्रांजिशन जो भी आप रखें कवर राइट रखें फेड रखें व्हाटएवर आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, तो अपनी कोड को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप हमेशा इसको क्लिक करेंगे तो ये तरह से थोड़ा तमीज में आ जाएगा। अब इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए, ये सेव बटन है, ये बैक बटन है, इसको सेव को हम इसको इसका नाम सेव नहीं रखते, ठीक है, हम इसका नाम अपडेट कर देते हैं, ठीक है, और इसकी चेंज जो है ना वो थोड़ी सी चेंज होगी, हम उसको कहेंगे कि भाई कहाँ करो। अच्छा दूसरी बात, अब एक चीज जो मैं पैक करके हम जब इसको एडिट करेंगे तो ये हमें करंट रिकॉर्ड लेना है यहाँ पर, किसको एडिट करना है ये तो बताना होगा ना हमें, है ना, तो हमें ट्रांजेक्शन के बाद जो थर्ड चीज होगी वो इसमें एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जिस तरह हमने पहले बनाया, तो इसको हम कहेंगे void var record to edit, ठीक है, और this item, और वो उसको हमने this item दे दिया और ये फॉर्मेट होके ये वहां पहुंच गया। जैसे ही ये वहां पहुंचेगा तो पहले पहले हमें क्या करना है कि इन फील्ड्स को वो बाइंडिंग करनी है इन फील्ड्स के साथ, इस फील्ड में हम वार गॉट टू एडिट डॉट टाइटल, और इसमें क्या करेंगे वार रिकॉर्ड टू एडिट डॉट नेम, और इसमें हम क्या करेंगे वार रिकॉर्ड टू एडिट डॉट ईमेल, ठीक है, तो ये तीनों चीजें अब हमारे पास पहुंच गई। हम बैक करेंगे भाई आपको कौन सा रिकॉर्ड एडिट करना है ये करना है, तो ये ना रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, और अब अपडेट में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई अपडेट करो इसको, मगर किसके साथ अपडेट करो, अब ये डिफॉल्ट वाली चीज हट जाएगी और हम कहेंगे वा रिकॉर्ड टू एडिट, ठीक है, और इसको लेके और फिर हम तीन ये फील्ड जो है ना ये एडिट वाली हमारे पास आ गई, आपने देखा ना ये एडिट वाली फील्ड्स। अब क्या होगा, अब हमने कहा कि भाई ये असलम जो है असल में इसकी असलम की लास्ट नेम जो है वो हमसे रह गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, हो गए,
एनी प्रॉब्लम, बताएं भाई, अनम्यूट करें सर। अगर हम वार नहीं लगाते तो फिर भी सर वो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा, नहीं करेगा ना। देखो वार तो, वार का मतलब है कि कोई ना कोई वेरिएबल, वार तो मैंने सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन दी है, ठीक है ना। अगर आप वार लगाएंगे ना तो इसका मतलब है ये वेरिएबल है जो कि करंट रिकॉर्ड को एड्रेस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद हम पॉइंट करवा के हम उसको ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वार का मतलब है इट्स अ टेम्पररी वेरिएबल टू होल्ड द रिकॉर्ड, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। और बताएं, आप लोग सवाल नहीं पूछते। क्वेश्चन है ही नहीं, सब कुछ आसान सा लग रहा है। आगे इंशाल्लाह है तो आसान। अब क्योंकि 10:15 हो रहे हैं, 10:16 यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में अब सेशन हम बंद करेंगे और अगली क्लास में हम और बहुत सारी चीजें करेंगे। कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा मैं आगे जाके, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं एक दो दिन में पट्टी साहब से मिलके आपको जो अकाउंट है आपकी यूनिवर्सिटी का, उस अकाउंट पे माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्सेस होगा, तो आप अपनी असाइनमेंट्स कर सकेंगे, क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, और बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो कि हम करेंगे। बट दिस इज द सिंपलेस्ट ऐप, और इसको मैं जो है ना वो ऐसा करता हूँ कि इसको वापस से पब्लिश कर देता हूँ, सो दैट एवरीवन कैन हैव द यू नो काइंड ऑफ एक्सेस टू इट। आप इस अकाउंट में जाएंगे तो ये ऐप पड़ी हुई होगी, इसको खोलें, रिकॉर्डिंग के साथ मैच करें, कोई भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, थ्रू आउट द वीक आप अपने उस ग्रुप पे किसी भी वक्त आपका मर्जी आए आप सवाल लिख सकते हैं, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक जो है वो ऐप बनाने का तरीका है, और इसमें ऐप बड़ा जल्दी से बनते हैं और बहुत अच्छे ऐप्स बनते हैं जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं, और चीजें जो है ना आसानी से हम कंपनीज में जो है ना वो प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, ऑल इज क्लियर। ऑल क्लियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल नेक्स्ट वीक। और मे बी हम थोड़ा शेड्यूल करेंगे, एक दो मीटिंग्स हम नेक्स्ट वीकली करेंगे, फिर जैसे ही आप थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे और इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो फिर हम इनको बाई वीकली करेंगे। बाई वीकली के बाद दो चार पांच मीटिंग्स के बाद फिर हम मीटिंग्स खत्म कर देंगे, सिर्फ आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को और आपकी एप्स को मैं देखता रहूंगा और आपको फीडबैक देता रहूंगा, आपकी असेसमेंट करता रहूंगा, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, प्लीज प्लीज स्टे एक्टिव, ठीक है ना, स्टे एक्टिवेटेड, स्टे एक्टिव, स्टे मोटिवेटेड, और इंटरेस्ट भी अपना जो है ना वो बिल्कुल इंटैक्ट रखें, और लर्न करें और आगे बढ़ें, और वी विल ऑल लर्न टुगेदर एंड विल प्रोग्रेस टुगेदर। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।